कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का फिलहाल अमेठी का दो दिवसीय प्रस्तावित दौरा कैंसिल हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ हैं संजय सिंह जी, हम इनसे जानकारी लेंगे उस दौरे के बारे में कि आखिर क्यों कैंसिल हुआ। जहां तक मैंने सुना है जी, जी अभी थोड़ी देर पहले तक राहुल जी पार्लियामेंट में जी, उनको बोलना था जी, वो आवश्यक था, इसमें हाउस चल रहा है, इसी वजह से कैंसिल हुआ जी, जी। मैं जानता नहीं जी, जी। ठीक है ठीक है। आज स्मृति ईरानी भी थी अमेठी में, नए साल में चुनावी वर्ष 2019 इनिशियली पहले उनका आंशिक बदलाव हुआ दौरे में, फिर सलून वाला प्रोग्राम कैंसिल करके यहाँ 4 बजे का आने का हुआ। क्या कह सकते हैं कि जनता से मिलना का समय नहीं है राव? ये सब बात अंदाज लगाना उचित नहीं है जी। कुछ वो भी सांसद हैं और देश में हमारी सब राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं जी, उनको अपनी चीजें कुछ पार्लियामेंट में कहना आवश्यक होता है। अमेठी तो आना जाना एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट तो अपने लिमिटेड अपने प्रोग्राम के साथ हिसाब से ठीक है। 3 प्रदेशों में बड़ी जीत भी हुई थी, भाजपा को पटखनी देकर कांग्रेस जीता था 3 बड़े प्रदेशों में, उसके बाद यहाँ के बेहद उत्साहित थे सभी, सलोन विधानसभा के भी लोग वो थे। राहुल जी एक आध दिन 2 दिन बाद आ जाएंगे, लेकिन जब पार्लियामेंट का जो सेशन है वो तो नहीं चलता है जी, उसमें जो कार्यवाही है वो भी, उसमें भी तो अमेठी को ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नहीं तो हम क्या क्या मान के चलें, अगला निकट भविष्य जल्दी आज ही पता चल जाएगा कि कब आएंगे।